Next experiment है, resonance tube. Object I want to find the velocity of sound in air 0 degree centigrade temperature using resonance tube. इसके लिए हमारे पास apparatus है, resonance tube apparatus, chilling fox है, rubber pad है, thermometer room temperature नापने के लिए, पानी है इसमें tube में भरने के लिए. इसके लिए सबसे पहले तो हमें resonance का principle clear होना चाहिए. What is resonance? Resonance is a phenomenon in which what happens, energy transfer becomes maximum. क्यों? Whenever the applied frequency, force frequency becomes equal to natural frequency, then this condition is called resonance. And the energy from source to the object get transferred in maximum amount. तो ये सेटअप है मेरे पास रेजोनेंस ट्यूब एपरेटस. इसकी मदद से तुम दो ट्यूनिंग फॉग की फ्रीक्वेंसी कंपेयर कर सकते हो. एडवांस में जो तुम्हारे सिलेबस में ऑब्जेक्टिव होगा, साउंड की वेलोसिटी निकाल सकते हो रूम टेम्परेचर. तो साउंड की वेलोसिटी अगर मुझे निकालनी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो भी निकाल सकता हूं, रूम टेम्परेचर पे निकाल तो भी निकाल सकता हूं. इसके मेन पार्ट्स ये साइड में कप है जिसमें पानी भरा हुआ है, इससे ट्यूब जुड़ी हुई है. ये ट्यूब कॉमनली कनेक्टेड है इस ट्यूब से, और ये कॉपर गेट ट्यूब होती है इससे जिसपे निकल की पॉलिश होती है, वो पानी इसमें भी भरा हुआ है. लेवल हम यहाँ से पढ़ सकते हैं, हालांकि इतनी साफ नहीं है ट्यूब, फिर भी अगर मैं तुम्हें बताऊं तो यहाँ तक जिसमें पानी भरा हुआ है, और वो उसको हम स्केल पर रीड कर सकते हैं. हमारा इंटरेस्ट एयर कॉलम में है, वाटर कॉलम में नहीं. ऊपर जो हवा है, कितनी जगह में हवा है. रेजोनेंस ट्यूब इज बेसिकली क्लोज पाइप, तो इसमें वाइब्रेशन होंगे, वाइब्रेशन ऑफ क्लोज पाइप, यानी हमें क्या मिलेगा, ऑड हार्मोनिक्स. तो अगर मैं इसकी मदद से वेलोसिटी निकालना चाहता हूं साउंड की, हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेलोसिटी एल. अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्म है, फॉर एग्जांपल 512 हर्ट्ज, रबर पैड ट्यूनिंग फॉर्म को अगर वाइब्रेट करेंगे, ये साउंड सुनाई देती है, क्योंकि इसमें दो प्रॉन्ग्स हैं. दो प्रॉन्ग्स होने का कारण ज्यादा देर तक वाइब्रेशन बने रहे, इसलिए इनमें आपस में रेजोनेंस होता है. एनर्जी इधर से इधर जाती है. पकड़ने का तरीका, नीचे से पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ेंगे तो वाइब्रेशन रोक देंगे. इसको कहते हैं स्टेम, इनको कहते हैं प्रॉन्ग्स. चिमटा भी एक तरह का ट्यूनिंग फॉर्म है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व कर सकते हो करते जाए. तो अगर मैं इसको वाइब्रेट करता हूं तो ये 512 हर्ट्ज की वाइब्रेशन कर रहा है, और मैं इसको यहां पर लेकर जाता हूं तो ये फ्रीक्वेंसी मैं ट्रांसमिट कर रहा हूं एयर कॉलम को. एयर कॉलम भी वाइब्रेट करना शुरू करेगा. अगर एयर कॉलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और इसकी फोर्स फ्रीक्वेंसी दोनों मैच हो गई तो इनमें एनर्जी का ट्रांसफर मैक्सिमम होगा. जैसे तुम पेन के ढक्कन में फूंक मार के आवाज निकालते हो, या बॉटल में, कांच की बॉटल में फूंक मार के, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर वो साउंड आएगी. तो ऐसे ही यहां से तेज आवाज सुनाई देगी, बोलेंगे कंडीशन ऑफ रेजोनेंस. फिर हम कह सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी भी 512 हर्ट्ज है. फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, वेवलेंथ हम यहां से निकाल सकते हैं. अगर वो फंडामेंटल मोड है फर्स्ट हार्मोनिक, तो फर्स्ट हार्मोनिक होने पर सिचुएशन क्या होगी, ये अगर वाटर लेवल है और स्टेशन की वेव जो जनरेट होगी ट्यूनिंग फॉक्स से, यहां बनेगा नोड, यहां बनेगा एंटी नोड, थोड़ा सा ऊपर एंड करेक्शन 0.3 टाइम्स डायमीटर, तो ये नोड बन रहा है. तो ये एक पूरी वेवलेंथ का एक चौथा हिस्सा है, इतना हिस्सा है 1/4 पार्ट. सो अगर वो लेंथ में नाप सकता हूं स्केल पे पढ़ के कितनी लेंथ पर तेज आवाज आ रही, वो लेंथ है l1 सपोज, देन दिस मस्ट बी लैम्डा बाय 4. अब मेरे पास एक तरीका है एक्चुअल एल1 निकालना. करेक्टेड एल1 कितनी हो जाएगी, एल1 प्लस 0.3 टाइम्स डायमीटर ऑफ द ट्यूब. एक तरीका तो दूसरा तरीका, तुम्हें पता सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं, अगर डिफरेंस निकाले तो कंसिडर हो जाता है. अगर मैं एंड एरर नहीं निकालना चाहता, एंड करेक्शन नहीं लगाना चाहता, इसको एंड करेक्शन बोलते हैं, लॉर्ड रेली ने बताया था इसके बारे में. अगर इसको नहीं नापना चाहता और नहीं निकालना चाहता तो मेरे पास दूसरा तरीका है, मैं सेकेंड रेजोनेंस भी सुनूं, तो उसके लिए मुझे लेवल को थोड़ा डाउन करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स लेंथ पर
उसमें सिचुएशन क्या होगी, एक लूप एडिशन बनेगा, तो ये डिस्टेंस होगी 3λ/4 और माना कि ये L2 है, तो अगर मैं L2 में से L1 सबट्रैक्ट करता हूं तो मुझे मिलता है λ/2, तो यहां से भी मैं लैम्डा निकाल सकता हूं, लैम्डा इज ट्वाइस ऑफ L2 - L1। जब मुझे लैम्डा पता चल गया, फ्रीक्वेंसी मुझे पता है, 512 ज्यादा यूज कर रहा हूं, तो साउंड की स्पीड रूम टेंपरेचर पे आ गई, रूम टेंपरेचर पे आ गई, तो उसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, मान लो रूम टेंपरेचर की सर्दी है ज्यादा नहीं, 20 डिग्री है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज के लिए स्पीड बढ़ती 0.61 के फैक्टर से, तो अभी जो स्पीड आ रही है उसमें से हम सबट्रैक्ट कर देंगे 0.61 * 20, तो क्या आएगा 0 डिग्री पर। तो अगर ये डिफरेंस ज्यादा होता है, क्योंकि बाइनरी एक्सपेंशन है फॉर्मूले में लगा हुआ, तो फिर 0.61 नहीं ले सकते, फिर तो टेंपरेचर और वेलोसिटी का रिलेशन हमें यूज करना। तो इसमें ऑब्जर्वेशन कैसे लेते हैं, कैसे साउंड आती है, समझो। फॉर एग्जांपल फिलहाल वाटर लेवल 16.5 पर है, सॉरी वाटर लेवल नहीं, एयर कॉलम की लेंथ 16.5 है, ऊपर से ना, एयर कॉलम की लेंथ 16.5 है, मैं इसको बताता हूं, थोड़ा सा ऊपर रखते हैं क्योंकि हमें पता है एंटीना थोड़ा ऊपर है, सर्टेन साउंड आ रहा है, काफी कम है, ऑब्जर्वेबल नहीं है, मैं लेवल चेंज कर सकता हूं कम या ज्यादा, एक्चुअली मुझे पहले से पता है या मैं कैलकुलेशन कर भी सकता हूं, फ्रीक्वेंसी और लेंथ का रिलेशन हम जानते हैं, तो मुझे पता है इसके लिए लेंथ आनी चाहिए एप्रोक्सीमेटली 17 सेंटीमीटर, मैं सीधे उसको यहां से कप को नीचे करता हूं, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, अगर कप को नीचे करूंगा तो वाटर लेवल नीचे जाएगा या ऊपर, नीचे, हां इसमें भरा हुआ पानी जो है ट्यूब का पानी कप में शिफ्ट होगा, वाटर लेवल नीचे जाएगा, मैंने इसको शिफ्ट किया थोड़ा सा कि वो 17 पे आ गया, पहले थोड़ा ऊपर लगा दें, वापस वापस 16.5, ये साउंड का लेवल, थोड़ा सा नीचे किया, थोड़ा टाइम देना चाहिए ऊपर या नीचे करने पर, क्योंकि वाटर को शिफ्ट करने में टाइम लगता है, तुमसे पूछे पानी ही जो यूज किया ग्लिसरीन के लिए डाल दो, ग्लिसरीन डाल दे तो हां टाइम और ज्यादा, हालांकि पानी से स्किन ड्रॉबैक रहता है, अपना जल्दी खराब हो जाता है, जंग लगती है, जहां भी कॉन्टेक्ट ऐसे है, साउंड थोड़ी सी बढ़ेगी, तुम ऑब्जर्व कर सकते हो साउंड में थोड़ा सा इंक्रीमेंट और नीचे करता हूं, तो इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना होता है साउंड का, इसको तेज मारेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, धीरे या तेज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें क्वेश्चन आया था मेरे पास में, और इसके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कितना होगा, क्या 1 सेंटीमीटर हो सकता है, जवाब है नहीं, ऑर्डिनरी ट्यूनिंग फॉर्म का नहीं, हालांकि अगर अच्छा मिलता है उसका हो सकता है, ऑब्जर्वेबल काफी बढ़ गई, रेजोनेंस कंडीशन ऑब्जेक्ट करने का तरीका यह है कि अगर मैं इससे और नीचे करता हूं, आवाज अगर और बढ़ती है तो ठीक है, पर कम हो जाती है मतलब दिस इज द रेजोनेंस पोजीशन जहां सबसे तेज आ रही है, मैं अंदाजा से थोड़ा और नीचे किया, ये पोजीशन है 17.5, वाटर मेनिस्कस में लोअर कॉलम तो हो गया अपर हो गया, लोअर मेनिस्कस या अपर मेनिस्कस, वाटर इज ट्रांसपेरेंट, लोअर मेनिस्कस से रेडी है, फोर इज कॉल भी तो वही रेजोनेंस पॉइंट ऐसा कर रहा है, अगर 3 टाइम्स करूंगा 1 50 के आसपास फिर से तेज आवाज आएगी, ये तो कर सकते हो अपने प्रैक्टिस करके, किस तरह के एरर होते हैं कंप्लेंट में क्लियर किया गया, तो काफी अच्छा है, नेक्स्ट टाइम इसको कंप्लीट करते हैं।